हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग आए हुए हैं एल जी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए। कस्टमर इसमें प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मशीन पूरा नहीं चलता है, आधे में ही रुक जाता है, इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर कोई मशीन आधे में ही रुक जा रही, कंप्लीट नहीं कर रही अपना साइकिल, तो इसमें क्या ख़राब हो सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने इस मशीन को चलाया और चलाते ही वॉश का जो साइकिल है वो तो कंप्लीट हो गया, पर जो रिंस का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। लगभग 10 मिनट हो गए और 24 का 24 रुका हुआ है, टाइमिंग बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, वहीं पे रुका हुआ है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो अपना रिंस का साइकिल कंप्लीट नहीं करती है, तो उसका हम लोग प्रेशर सेंसर चेंज कर देंगे। अभी इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं इसका जो प्रेशर सेंसर है पहले से भी चेंज किया हुआ है, और उसने जिसने चेंज किया है वो उसका जैक को निकाल के सोल्डिंग कर दिया है। तो हम लोग भी इसमें सोल्डिंग ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका जैक तो है नहीं। तो फटाफट से चेंज करके आपको दिखाते हैं। प्रेशर सेंसर को हम लोग चेंज कर चुके हैं, अब इसको चलाकर देखते हैं कि रिंस का जो साइकिल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम लोग ने इसको रिंस वाला प्रोसेस से ही फिर से स्टार्ट किया है, और आप देख सकते हैं कि रिंस वाला प्रोसेस जो पहले वर्क नहीं कर रहा था अब वर्क करने लगा है। तो आपको जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम मिले जो रिंस के टाइम में प्रॉब्लम करता है, रिंस का साइकिल जो पूरा नहीं करता है, तो आप उसमें बिना कुछ चेक किए, बिना हिचकिचाए आप प्रेशर सेंसर को चेंज कर दें। देख सकते हैं आप, ये चलने लगा है रिंस वाला प्रोसेस।